इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार का दिन है। एकादशी तिथि आज देर रात 1:05 तक रहेगी। आज पुत्रदा एकादशी है। आज पूरा दिन पार करके रात 12:07 तक सारे काम बनाने वाला रवि योग रहेगा। साथ ही आज 12:07 तक मूल नक्षत्र भी रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 2:13 से शुरू होकर देर रात 1:05 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्ती किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात कर रखने के योग की, यानी कि जायजैद योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग कल यानी कि 19 अगस्त की रात 10:55 से अगली सुबह 5:36 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 2 सितंबर की दोपहर 3 बजे से अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:52 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:08 तक रहेगा, और फिर आज ही सुबह 10:24 से दोपहर 2:13 तक भी रहेगा। कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 अगस्त की सुबह 10:09 से 10:20 तक और दोपहर 12 बजे से 2:19 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 5:53 से 10:16 तक और दोपहर 12:36 से 2:54 तक रहेगा। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 5:53 से 10:16 तक और दोपहर 12:36 से 2:54 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 19 अगस्त की रात 10:42 से 11:12 तक और रात 1:08 से अगली सुबह 5:53 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:52 पर शुरू हुआ था और सुबह 8:08 तक रहेगा, और फिर आज ही सुबह 10:24 से दोपहर 2:13 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब यह अशुभ समय 21 अगस्त की सुबह 5:26 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:25 से दोपहर 2:03 तक। मुंबई दोपहर 12:42 से 2:18 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:26 से 2:05 तक। लखनऊ दोपहर 12:10 से 1:48 तक। भोपाल
12:24 से 2 बजे तक, कोलकाता दोपहर पहले 11:40 से दोपहर 1:17 तक, अहमदाबाद दोपहर 12:43 से 2:19 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 12:12 से दोपहर 1:46 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर, उत्तर पूर्व और पूर्व, उत्तर पूर्व और पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपके काम आपके मन मुताबिक पूरे होंगे। मित्रों के साथ किसी खास विषय पर बातचीत होगी जिससे आपको ही फायदा होगा। किसी भी काम को करने में पूरा मन लगेगा। आपका दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। आपको नए काम को करने के लिए कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। आज खुद को शांत रखने की भी कोशिश करेंगे। आज नए कामों को शुरू करने की प्लानिंग करेंगे। आपको परिवार वालों से सहयोग मिलेगा, साथ ही पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज आपका मन आध्यात्म के प्रति अधिक रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का प्लान बनाएंगे। ऑफिस में किसी काम को लेकर आपकी तारीफ होगी। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। रचनात्मक काम से आपको धन लाभ होगा। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज आपको लोगों का सहयोग मिलेगा। किसी काम में थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो किस्मत से आपको उसका पूरा फल जरूर मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज थोड़ी सी मेहनत से आपको बड़ा मुनाफा मिलने वाला है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रुका हुआ काम अगर फिर से शुरू करेंगे तो जरूर पूरा हो जाएगा। जीवन साथी के साथ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करने का मन बनाएंगे। इस राशि के कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने ही बढ़िया नतीजे भी मिलेंगे। अपनी बात को सकारात्मक ढंग से लोगों के सामने रखेंगे तो फायदा होगा। करियर को आगे बढ़ाने में की गई मेहनत रंग लाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले जीवन साथी से राय मशवरा कर लेने से अच्छा रहेगा। आज आपको धैर्य और संयम के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार के साथ बैठकर बात करने से पारिवारिक समस्याओं का हल निकलेगा। आज संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आज बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज आपको ऑफिस के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर कार्य करने की जरूरत है। आज आपको धन लाभ के नए सोर्सेज नजर आएंगे। आपको परिवार से के किसी काम से यात्रा करनी पड़ेगी। आज किसी पुराने कोर्ट केस का फैसला आपके पक्ष में आएगा। आज आपको दूसरों के कामों में दखल देने से बचना चाहिए। दिन भर के कार्यों से आज आपको थोड़ी थकावट महसूस होगी। आज आप सोशल साइट पर समय बिताने के बजाय कार्यों पर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। लोगों का विश्वास आप पर बना रहेगा। इस राशि के हाई एजुकेशन पाने की ख्वाहिश रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। बच्चों की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य उत्तम रहेगा। सेहत बेहतर बनी रहेगी। नए लोगों से मुलाकात विषय भविष्य के लिए लाभदायक होगी। सोचे हुए सभी काम समय से पूरे होंगे। व्यापार में बड़ा लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी करने का मन बनाएंगे। किसी कोर्ट केस का फैसला आने में देर होगी। आप जो भी कार्य करने की सोचेंगे उसे लेकर पॉजिटिव नजरिया रखने से वो तय वक्त में पूरा हो जाएगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। जीवन साथी आपके विचारों से सहमत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आज ऑफिस में बड़े अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आमदनी में इजाफा होने के आसार नजर आ रहे हैं। पूरे दिन खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। इस राशि के राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन
बेहद अच्छा है। घर परिवार का वातावरण शांतिदायक रहेगा। आज घर पर ही कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का मन बनाएंगे। संतान की ओर से खुशियां प्राप्त होंगी, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आप परिवार वालों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे। इस राशि के जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उन्हें तरक्की के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। किसी जरूरतमंद की मदद करने से आपको आनंद की अनुभूति होगी। आज कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। आज आपका खुशनुमा व्यवहार घर में अच्छा माहौल बनाएगा। आज आप कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। कई दिनों से रुके हुए काम पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। इस राशि के लव मेट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। जरूरतमंद मित्रों की तरफ आप मदद का हाथ बढ़ाएंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस राशि के छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है। जीवन साथी से आज कोई खास खुशखबरी प्राप्त होगी जिससे आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। आज आप ऑफिस के किसी काम में व्यस्त रहेंगे। आज आप दोस्तों के साथ पार्टी करने का मन बनाएंगे। लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आप खुद को एनर्जी से भरा महसूस करेंगे। आप जिस काम को करेंगे वो समय से पहले पूरा हो जाएगा। इस राशि के इंजीनियर्स अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में करेंगे। किसी जरूरी काम में जीवन साथी की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। अधिकारियों से खास मामलों पर बातचीत होगी। आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। आमदनी बढ़ाने के कुछ अच्छे मौके भी मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स आने के योग बन रहे हैं। घर में खुशी का माहौल बनेगा। संतान पक्ष से आपको खुशी मिलेगी। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल बढ़िया रहेगा। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे। आज आप अपने ज्यादातर कार्य समय रहते पूरा करने में सफल होंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव होगा। कई दिनों से रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जरूरतमंद को मिठाई दें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी धार्मिक स्थल पर पंखा भेंट करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके लिए आज का दिन कार्यों में सफलता दिलाने वाला रहेगा। मूलांक 2, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। जरूरत की चीजें भी खरीदेंगे। मूलांक 3, आज आपका स्वास्थ्य पहले से अच्छा रहेगा जिससे आप रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। मूलांक 4, आज आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे जिससे आप सभी कार्य समय रहते पूरा कर लेंगे। मूलांक 5, आज आपका भाग्य आपके साथ रहेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। मूलांक 6, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी कर लें। मूलांक 7, किसी रिश्तेदार से वीडियो कॉल करेंगे इससे आपके रिश्ते और बेहतर बनेंगे। मूलांक 8, व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। अचानक आपको 2 गुना फायदा होगा। मूलांक 9, आपका मन रचनात्मक कार्यों में लगेगा, साथ ही आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज भी हम बात करेंगे घर में हाथी के जोड़े को रखने के बारे में। घर में हाथी का जोड़ा रखना बड़ा शुभ होता है। कई ईस्टर्न संस्कृतियों में तो हाथी की पूजा भी की जाती है। और भारत में इंद्रदेव की सवारी हाथी है। देवी लक्ष्मी के वाहन में से एक सफ़ेद हाथी भी है। यानी हाथी की मूर्ति को घर में रखना बड़ा अच्छा होता है। ये सुख समृद्धि का प्रतीक है, साथ ही शक्ति बुद्धि और ज्ञान का भी प्रतीक है। घर या ऑफिस में मुख्य द्वार पर सूंड ऊपर की ओर उठाए हुए हाथी के जोड़े की प्रतिमा लगानी चाहिए। इससे परिवार में सुख सौभाग्य बना रहता है और रिश्तों में मजबूती आती है। परिवार के सब सदस्यों के बीच सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर में हाथी के जोड़े को लगाने के बारे में। उम्मीद है आप इस वास्तु टिप को अपनाकर अपने घर का वास्तु जरूर ठीक करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार का दिन है। एकादशी तिथि आज देर रात 1:05 तक रहेगी। आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार मनाई जाती है, एक पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को और एक आज यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। बता दूं कि दोनों ही एकादशियों का समान रूप से महत्व है। पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान
श्री विष्णु के निमित्त व्रत करके उनकी उपासना करता है तो उसकी सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। यहाँ एक बात बता दूं कि जब हम पुत्रदा एकादशी कहेंगे तो उसका मतलब केवल पुत्र से नहीं है बल्कि संतान से है। संतान पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी। लिहाजा जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या जिनकी पहले से संतान है और वे अपने बच्चे का सुनहरा भविष्य चाहते हैं, जीवन में उसकी खूब तरक्की चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज पुत्रदा एकादशी का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए आज आपको पुत्रदा एकादशी अवश्य ही करना चाहिए। याद दिला दूं कि सूरदास ने बच्चों के सुख के बारे में लिखा है, घर के आंगन में तिलकत कान डुरवन आवत, मणिमय कनक नंद को आंगन बिंब पकड़ में धावत, क्योंकि यशोदा जी हरि को पालने में झुला रही हैं। और सूरदास जी क्या कहते हैं, ये सब चीजें हैं संतान को लेकर, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, ये सुख मुनियों को और अमरों को दुर्लभ नहीं है। सो नंद भामी नहीं पावे यशोदा हरि पालने झुलावे, अपनी ही देह से उत्पन्न एक आत्मा एक शरीर उसको खिलाने से बड़ा कोई सुख नहीं है। पुराण परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति ऐश्वर्य संतति स्वर्ग मोक्ष सब कुछ पाना चाहता है उसे भी पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो ये थी चर्चा पुत्रदा एकादशी की, और अब बात करते हैं आज पर्दे वाले योग और नक्षत्र की। आज पूरा दिन पार करके रात 12:07 तक सारे काम बनाने वाला रवि योग रहेगा। रवि योग के दौरान कोई काम करने से वो अवश्य ही पूरा होता है। साथ ही आज 12:07 तक मूल नक्षत्र भी रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। वनस्पतियों में मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, शालमली वृक्ष साल का वृक्ष सर्ज। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज साल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा आज दोपहर 2:13 से शुरू होकर देर रात 1:05 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। हमने कई बार चर्चा की है कि भद्रा जिस लोक में स्थित होती है मूलतः वही प्रभावी रहती है, लिहाजा इस पाताल लोक की भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सब के साथ आज झूलन यात्रा की भी शुरुआत हो रही है जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा यानी 22 अगस्त को समाप्त होगी। झूलन यात्रा के दौरान राधा कृष्ण को फूलों से सजे झूले पर झुलाया जाता है। तो ये थी चर्चा आज रवियोग मूल नक्षत्र भद्रा और झूलन यात्रा की, और अब बात करेंगे आज पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आज पीले ताजा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं और भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा जरूर पूरी होगी। अगर आप अपने जीवन में सफलता और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको 5 रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में अवश्य धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आपके रिश्तों के बीच सामंजस्य भी बना रहेगा। अगर आप अपनी संतान के करियर की बेहतरी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज अपने बच्चे के मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, साथ ही जरूरतमंद को पीला कपड़ा गिफ्ट करें। आज ऐसा करने से आपके संतान के करियर की बेहतरी सुनिश्चित होगी। अगर आप अपनी संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो आज 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर उनकी उचित प्रकार से पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी संतान को संभाल कर रखने के लिए दे दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अगर आप अपने सभी कामों में संतान का भरपूर सहयोग पाना चाहते हैं तो आज स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के इस मंत्र का 108 जप करें। मंत्र है, ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने सभी कामों में संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहती है तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपके
बच्चे की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज में डलवाकर बच्चे के गले में पहना दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको आपकी बच्चे को विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल होंगी। अगर आप अपनी संतान को जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और उसके जीवन में आ रही हर रुकावट को दूर करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु को माखन और मिश्री का भोग लगाएं, साथ ही उनके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं, उनका आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान के जीवन में आ रही रुकावटें दूर होंगी। अगर आप अपने संतान के दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं तो आज 5 गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करें, उनकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें, साथ ही भगवान से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक लाल रंग की पोटली में बांधकर अपनी संतान को रखने के लिए दे दें। अगर आप अपनी संतान के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज श्री विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, साथ ही एक सिद्ध किया हुआ सौभाग्य बीसा यंत्र लेकर अपने संतान को दे दें या फिर घर के मंदिर में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होगी। अगर आपकी संतान का बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो आज स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और उसकी जड़ में जल चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान का बिजनेस ठीक से चलने लगेगा। अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आज श्रीहरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें। अब उस पीसी हुई हल्दी से बच्चे के माथे पर टीका लगाएं और तब तक रोज लगाते रहें जब तक आपके बच्चे की सेहत ठीक न हो जाए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे का स्वास्थ्य जल्द ही बेहतर हो जाएगा। अगर आप बेटा या बेटी यानी कोई संतान गोद लेना चाहते हैं तो आज पुत्रदा एकादशी की रात एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर साफ कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की फोटो रखिए और फोटो के आगे देसी घी का दीपक जलाइए। अब आपको ये मंत्र पढ़ना है। मंत्र है, ओम गोविंदाय गोपालाय यशोदा सुताय नमः। ओम गोविंदाय गोपालाय यशोदा सुताय नमः। देखिए बहुत जगह इस मंत्र का स्वरूप दिया हुआ है, ओम गोविंदाय गोपालाय यशोदा सुताय स्वाहा। ओम गोविंदाय गोपालाय यशोदा सुताय स्वाहा। आप दोनों में से कुछ भी कहेंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। इस मंत्र का आपको 5 माला यानी 540 बार जप करना है और जप पूरा होने के बाद भी दीपक को बुझाइए नहीं, उसे जलता छोड़ दीजिए। वो अपने आप जब उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा, घी या तेल जो भी आपने रखा है, तो समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आज ये उपाय करने से संतान गोद लेने की आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। तो ये थी चर्चा पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नजर होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, घर वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, परिवार में खुशनुमा माहौल बनेगा। बी, स्टूडेंट्स पढ़ाई में खूब मेहनत करेंगे जिससे उनको परीक्षा में अच्छे परिणाम हासिल होंगे। सी, काफी दिनों से चली आ रही कोई किसी परेशानी का आज समाधान निकलेगा। डी, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरा करने में सफल होंगे जिससे लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। ई, किसी नए कार्य को करने की सोच रहे हैं, अच्छा मुहूर्त देखकर जरूर शुरू करिए। एफ, आज अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखें, जल्द ही सफलता के द्वार खुलेंगे। जी, भौतिक संसाधनों में वृद्धि का योग है, विभिन्न स्रोतों से लाभ होगा। एच, किसी काम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ नया प्लान बनाएंगे। आई, जीवन शैली पहले की अपेक्षा बेहतर होगी, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जी, व्यवसाय की दृष्टि से आज का दिन बेहतर होगा, अचानक आपको धन लाभ होगा।
के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सर्वोत्तम रहेगा, मेहनत का सकारात्मक फल मिलेगा। एल, आपके काम में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और आपके काम की प्रशंसा होगी। एम, प्रेम संबंधों में मजबूती और मिठास आएगी जिससे आज का दिन बेहतरीन रहेगा। एन, दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। ओ, घर में सुख सुविधाओं से संबंधित कुछ नया सामान खरीदने का मन बनाएंगे। पी, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, घरेलू कामकाज में ज्यादा समय बीतेगा। क्यू, आज का दिन तरक्की दिलाने वाला है, नई प्रॉपर्टी बेचने पर आपको फायदा होगा। आर, आज आप किसी खास रिश्तेदार से फोन पर बात करेंगे, किसी नए कार्य की योजना बनाएंगे। एस, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। टी, आज आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। यू, आज आपको कोई खुशखबरी मिलेगी जिससे आपकी खुशियों में इजाफा होगा। वी, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, मानसिक संतुलन भी ठीक बना रहेगा। डब्ल्यू, पारिवारिक जीवन शांत और खुशहाल रहेगा, संतान पक्ष से खुशी मिलेगी। एक्स, आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। वाई, ननिहाल पक्ष से कोई अच्छी सूचना मिलेगी, घर में खुशी का माहौल बनेगा। जेड, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपके साहित्यिक शैली की तारीफ होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। यह स्थान महाराष्ट्र में मुंबई से पूर्व तथा पूना से उत्तर की ओर स्थित है, जो भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत पर है। भीमा नदी भी इसी पर्वत से निकलती है। भारतवर्ष में प्रकट हुए भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को छठे क्रम में रखा गया है। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने कुंभकर्ण के पुत्र भीम नाम का एक राक्षस का संहार किया था। तब सभी देवों ने आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में विराजमान हों। भोलेनाथ यहां भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए, तो आप भी कीजिए इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन। देखिए, सावन का महीना है और इस महीने हम आपको लगातार ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करा रहे हैं, भगवान शिव के दर्शन करा रहे हैं। हर हर बम बम का निनाद हो रहा है, परमानंद की स्थिति है। आपको घर बैठे ही हम सारे दर्शन करा देते हैं, आप भी दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे ललाट के विभिन्न स्वरूपों के बारे में। ललाट या माथे के विभिन्न स्वरूपों में यहाँ अर्थ ललाट की शेप से है। ललाट यानी मस्तक। अलग अलग लोगों के माथे की अलग अलग शेप देखने को मिलती है और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति के माथे या ललाट की शेप को देखकर हम उसके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो इस कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे आयताकार ललाट के बारे में। जिनके ललाट की ऊंचाई चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है वो लोग बहुत ज़्यादा भावुक, संवेदनशील और चंचल स्वभाव के होते हैं। ये कला, संगीत और साहित्य की ओर आकर्षित होते हैं। ये घूमने फिरने में रुचि रखने वाले और बहुत जल्दी अपना स्वभाव बदलने वाले होते हैं। ये एक काम के लिए बहुत सी योजनाएं बनाकर चलते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी होती है, लेकिन इनके साथ एक परेशानी ये है कि इनके अंदर धैर्य नहीं होता। ये बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, जिसके चलते ये अपनी बौद्धिक क्षमता का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। तो सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा आयताकार ललाट के बारे में, ललाट यानी मस्तक। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 18 अगस्त को श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिमली यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज रात 1:05 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कल रात 10:54 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है, तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय
कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत रिंग 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 फट फट ठा ठा एहे हे रुद्र आज्ञापयति स्वः। और अब वक्त है आज की मोती जी का, आज जेब में हरा पेन रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।